राजधानी रायपुर के कुम्हारडीह स्थित सुशेश्वर देव महादेव पीठ में सस्य भरा महारुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों भक्तों ने महारुद्राभिषेक किया। संत महासभा नामदेव समाज परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल भगवदाचार्य ने बताया है कि छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि और अल्प वर्षा से राहत के लिए खारून नदी के जल से लगातार 2 घंटे महारुद्राभिषेक किया जा रहा है। सुरेश्वर महादेव पीठ के पीठाधीश ने बताया है कि गौरक्षा और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर हिंदुत्व की रक्षा की जाए। आज जो सहस्त्रधारा स्थान है उसका मुख्य उद्देश्य तो जग कल्याण के लिए है, सबकी समृद्धि, छत्तीसगढ़ की खुशहाली। और चूंकि वर्षा नहीं हो रही है तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि वर्षा अच्छे से हो, ताकि यहाँ के किसान खुशहाल हो, पूरा प्रदेश खुशहाल हो। यह सहस्त्रधारा जल वृष्टि के लिए किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए किया जा रही है, और संत महासभा के द्वारा एवं श्री नामदेव समाज के द्वारा यह कार्यक्रम संयोजित हो रहा है। ये आज सुरेश्वर महादेव के अंदर में ये संकल्प करके, संकल्प को एक हफ्ता पहले किया था, पर वर्षा का आगमन हुआ तो उसकी पूर्णाहुति के अवसर पर जो है आज एकादशी के दिन जो है इस रुद्राभिषेक सहस्त्र अर्चन धारा का आयोजन किया गया। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, खबरों का सिलसिला